जुलाई के महीने में हुई भारी बारिश के कारण नदी नालों में पानी भर गया था। साथ ही बांधों में जल संग्रहण में भारी वृद्धि हुई है। इससे राज्य की सीमा पर स्थित सिरोंचा तालुका में बाढ़ की स्थिति ने विकराल रूप ले लिया और कई गांवों को घेर लिया। तालुका के कुल 54 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और कई गांवों के जलमग्न होने के कारण नागरिकों ने आखिरकार अपनी जान ले ली और राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेरा डाल दिया। इस बीच पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री और विधायक विजय वड़ेट्टीवार राज्य के दूरदराज के इलाकों में भूख प्यास से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आए हैं। गढ़चिरौली जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नागरिकों को खाद्यान्न किट और कम्बल वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश महासचिव डॉक्टर नामदेव राव किरसन, जिलाध्यक्ष महेंद्र बामनवाड़े, गढ़चिरौली जिले के सह प्रभारी शिव राव, पूर्व विधायक नामदेव राव उसेंडी, संजय चारदू के निजाम पेंडम और सभी कांग्रेस प्रकोष्ठों के गढ़चिरौली जिले के अधिकारी और सिरोंचा तालुका के अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। पाहणी करून सुमनपल्ली व कोत्तूर रायतवार लोकांना मदत केलेला आहे आणि त्या मदताने सहकार्य केलेला आहे त्याबद्दल आम्ही आभार मानतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।